बाद गाड़ी उसने मेरे पति को खींच ले गए। जब विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, सती सिंह हमको उनके घर लेके गए डाला, पूरे परिवार वालों को मरवा के फेंकवा दो। यदि कहीं जिला पुलिस के स्तर पे कोई लापरवाही रही है, इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी रही है, तो उसको उजागर करेगी और तमाम तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज, मैं राशिद अली। उत्तर प्रदेश आजकल अपनी राजनीति की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से आजकल चर्चाओं में है। क्या है वो मामला? आजकल आप न्यूज चैनलों पर देख रहे होंगे कि एक मामला जो कि बीजेपी विधायक का बहुत चल रहा है, इसके पीछे आखिर क्या राज है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, कौन अपनी इज्जत उछाल रहा है और कौन अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ है, ये तमाम सवाल आज सामने आए हैं। मैं सीधा ना बोलते हुए आपको एक सीधा खबर से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, जिसमें आप सभी जानते हैं कि उन्नाव के बीजेपी MLA जो कि एक युवती से दुष्कर्म के आरोप में फंसे हुए हैं, तो वहीं आपको बता दूं कि कैसे कैसे मामला चला कि पीड़िता के पिता की भी मौत हो गई है और उस मामले में अब कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि वो बीजेपी MLA हैं, उनकी सरकार है, इस वजह से बीजेपी MLA बचे पड़े हैं। परिवार का ये आरोप है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको खतरा हो सकता है, तो वहीं सरकार की ओर से उन्हें सुरक्षा भी दी जा रही है, तो वहीं पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार पुलिस वाले भी उनके दबाव में हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें उनकी जान को भी खतरा है और वो ये मांग कर रहे हैं कि अगर बीजेपी जो MLA है उसने दुष्कर्म किया है और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो वहीं इस मामले में आरोपी जो कि MLA है उनका ये कहना है कि आरोप तो भगवान राम पर भी लगे थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्नाव रेप केस, पॉक्सो एक्ट के तहत MLA सेंगर पर केस दर्ज, CBI जांच की भी सिफारिश। हालांकि अभी इसमें नया मोड़ आया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत इसलिए मामला दर्ज किया गया है कि कोई कह रहा है, मैं आपको सीधा नेता के एक बयान पे ले जाऊंगा इस मामले में, जो कि एक नेता का क्या बयान आया था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस मामले में नेता ने क्या बयान दिया था, जो कि दूसरे उससे MLA हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बीजेपी MLA सुरेंद्र सिंह का बेतुका बयान, बोले 3 बच्चों की माँ से कोई रेप नहीं करता। ये उन नेताओं के बयान हैं जिन नेताओं को वहां की जनता चुन के भेजती है। ये MLA हैं, बरेली के बैरिया से बीजेपी विधायक, इस मामले में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने इस ऐसा बयान दिया जो कि बेहद ही शायद अपने आप में एक शर्मनाक बयान है। जी हाँ, मैं सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आखिर इस मामले में अब क्या चल रहा है। रेप के जो आरोपी हैं बीजेपी विधायक से डरता है पूरा गांव। ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, ये हैं जो रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर। जी हाँ, कुल नाव गैंगरेप मामले में पीड़िता पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इस मामले के कहीं ना कहीं इस वारदात के 260 दिन बाद यह मामला दर्ज हुआ और इस मामले में लेट लतीफी इसलिए की गई क्योंकि ये मामला एक MLA से जुड़ा हुआ था। आप समझ सकते हैं, जब एक सामान्य सा परिवार एक बड़ी हस्तियों पर जब आरोप लगाते हैं तो कानून कहीं ना कहीं पुलिस की सांठगांठ में आ जाता है। कानून ना जाने हमें क्यों अंधा लगने लगता है कि शायद उसे सब कुछ धुंधला लगने लगता है। जब बात इन बड़े बड़े कारोबारियों पर, बड़े बड़ी शख्सियतों पर, बड़े बड़े ऊंची पहुंच वालों पर आरोप लगते हैं तो पता नहीं कानून अब कानून की रफ्तार इतनी धीमी क्यों पड़ जाती है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि सोशल मीडिया पर इन दिनों इस पीड़िता के पिता का मौत से पहले का एक वीडियो वायरल हुआ है।
अगर आप वो देखे ना आपको उस पे तरस आ जाए तो आप कहना। उस वीडियो में उस पिता की, हालांकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उस बेबस पिता की इतनी बेरहमी से पिटाई लगाई है, उनकी आंख से लेकर पैर तक खून बह रहा है, और उसका आरोप जो कि बीजेपी के नेताओं पर पिटाई लगाने का है। और आप देखेंगे कि उस दौरान मौजूद पुलिसकर्मी और वहां के डॉक्टर किस तरह से उस पिता का मजाक उड़ा रहे हैं, जो वाकई इंसानियत को शर्मसार करता है, जिसमें पता चलता है कि क्या वाकई कानून अंधा हो गया है, क्या वाकई कानून को सब धुंधला नजर आ रहा है। देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी हैं। वहीं पीड़िता और उसके परिवार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों में विधायक और उनके परिवार का खौफ है। गांव का कोई भी आदमी चूं तक करने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि पीड़िता और उसके परिवार वालों ने उन्नाव से करीब 15 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने गाँव माखी लौटने तक से इनकार कर दिया है। उन्हें डर है कि यहाँ पर जानलेवा हमला हो सकता है। तो वहीं डीएम ने कहा है कि पीड़िता के परिवार के कहने पर हमने एक उनके लिए उन्नाव में ठहरने की व्यवस्था की है, लेकिन देव पीड़िता का इस पर कुछ और ही कहना है। पीड़िता ने कहा कि डीएम ने मुझे एक होटल के कमरे में बंद रखा, उन्होंने मुझे पानी तक नहीं दिया। मैं बस ये सब चाहती हूँ कि गुनहगारों को सज़ा मिले। उसने सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की मांग की है। तो वहीं मैं आपको बता दूँ, जहाँ ये पीड़िता इंसाफ की मांग कर रही है, तो वहीं आपको बता दूं कि कोई कहता है कि 3 बच्चों की मां से कौन रेप करेगा, तो वहीं पीड़िता के चाचा कहना है कि बच्ची नाबालिग है और 16 साल की है, और इसीलिए शायद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं डीएम आवास के बाहर इंतजार कर रही पीड़िता की मां ने, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती हम गाँव नहीं लौटेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में चश्मदीदों का क्या कहना है। पीड़िता के गांव के एक शख्स ने कहा कि विधायक की ताकत की पीड़ित परिवार को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा। अधिकारी विधायक का ऑर्डर मानते हैं। वहीं गांव के ही एक शख्स ने बताया कि पीड़िता के पिता पर 3 अप्रैल को हमला हुआ था, जब वो अपने घर जा रहा था। उसने बताया कि अपने घर जा रहा था, तभी उसे विधायक के कुछ लोगों ने रोका और पीटना शुरू कर दिया। वो उसे विधायक के घर ले गए और वहां से उसे घर के बाहर लाठी डंडों से पीटा गया। ये सब कुछ भीड़ के सामने हुआ। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और उसे ले जाने को कहा। यानी कि आप देख सकते हैं, पुलिस ने पीड़िता के पिता के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। साथ ही आईपीसी की कई धाराएं भी लगाई। 8 अप्रैल को जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां 9 अप्रैल की सुबह 3:40 बजे उसकी मौत हो गई। और तभी ये मामला शायद इतना तूल पकड़ा, तभी ये मामला नजर में आया। अगर पीड़िता के पिता की मौत नहीं होती तो शायद ये मामला सामने भी नहीं आता। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था पर कि जिसमें एक व्यक्ति की जान जाने के बाद ये मामला नजर में आता और उसके बाद कार्रवाई करने की लोगों को सोचती है। और उससे पहले इस मामले को कितना नज़रअंदाज किया जा सकता है, ये आपने खबर में देखा कि किस तरह विधायक ने पीड़िता के पिता को अपने गुर्गे बेचकर घर पे बुलवाया और उसकी मार लगाई और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ना कि पुलिस ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि आखिर ये जानने की कि आखिर इसमें दोषी कौन है। तो वहीं मैं आपको बता दूं, अब एक और खबर, बीजेपी मीडिया सेल सदस्य की अमित शाह से गुहार, यूपी को बचाइए सरकार कर रही है शर्मसार। अब इसमें सरकार भी छिपती नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि आखिर जब ये मामला इतना बढ़ गया है तो शायद मजबूरन ही सही योगी सरकार को फैसला लेना पड़ रहा है। योगी सरकार को अब सामने आना पड़ रहा है कि आखिर क्यों इतने दिनों से कहां थी योगी सरकार, जब ये मामला नजर में नहीं आया था, जब उस पिता की जान चली गई तब ही क्यों फैसला लिया गया, उससे पहले क्यों नहीं लिया गया। क्या किसी की जान जाने का इंतजार करती है ये सरकारें, उसके बाद फैसला लेती है, सोचिएगा। और उसके बाद अब सरकार कर रही है शर्मसार। मैं आपको बता दूं कि सरकार ऐसे ही एक बाबा है चिन्मयानंद, जिनका नाम है,
और उन पर भी इसी तरह का अपनी जो कि उनके आश्रम में रहती थी उस लड़की से दुष्कर्म का आरोप है, मैं आपको बता दूं। और उस चिन्मयानंद बाबा जो कि सरकार में एक पद पर भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और उन उन पर भी जो एक केस लगा था, उनको उनका केस वापस करने की फिराक में है, केस वापस लेने की फिराक में लगी हुई है योगी सरकार। मैं आपको बता दूं इसमें क्या है। इस मामले में उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर लगे आरोपों के बाद अब पार्टी के अंदर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। बीजेपी की मीडिया सेल की सदस्य, खुद आप देखिए, बीजेपी की मीडिया सेल की सदस्य दीप्ति भारद्वाज ने उन्नाव रेप केस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से यूपी को बचाने की गुहार लगाई है। दीप्ति ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी सरकार के फैसले शर्मसार कर रहे हैं और ये कलंक कभी नहीं धुलेंगे। एक आप देख सकते हैं केस में एक महिला पर जो बीत रही है, शायद वो दूसरी महिला ज्यादा बेहतर समझ सकती है। और इसीलिए एक महिला ने जो ये कहा है कि योगी सर की यूपी सरकार के फैसले शर्मसार कर रहे हैं और ये कलंक कभी नहीं धुलेंगे, और वो अमित शाह से गुहार लगाइए कि यूपी को बचाइए, कि आखिर यूपी की व्यवस्था को संभालिए, कि आखिर उसमें हो क्या रहा है। तो जाहिर सी बात है लोगों को समझना चाहिए कि क्या कानून सामान्य लोग और दिग्गज लोगों के लिए अलग है, क्या सामान्य लोगों के लिए फैसले जल्द और दिग्गज लोगों के लिए फैसले बाद में आते हैं। सोचना पड़ेगा क्या कानून को चलाने वाले जो ये व्यवस्था जो ये है, जो ये नेता बैठते हैं, जो सिस्टम संभालते हैं, क्या ये लीड लतीफी करते हैं या ये लोगों को देखकर फैसला सुनाते हैं। सोचने वाली बात है और हम सबको समझना चाहिए और ऐसे नेताओं से बचना चाहिए जो ये कहते हैं कि खुदा ना खास्ता कि तीन बच्चों की माँ से कोई रेप करता है क्या। ऐसे ही अगर शायद किसी के साथ हो जाए तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, लेकिन ऐसे नेता शायद अभी वारदातों से वाकिफ नहीं है। और ये ऐसे नेता जो लोग जिन्हें चुनते हैं वो ऐसे बयान देते हैं, तो शायद ऐसे लोगों को भी चुनाव में देखकर खड़ा होना चाहिए और पार्टी को भी ये चाहिए कि जो इस तरह के बयान देते हैं, शायद उन टिकट जब बंटवारा हो तो शायद लोगों की छवि को देखकर उन्हें टिकट दिया जाए। तो अब देखना होगा कि इस मामले में आखिर और क्या क्या होगा, कौन दोषी ठहराया जाएगा, क्या बीजेपी MLA जो है वो निर्दोष साबित होंगे, क्या होगा इस मामले में, क्या पीड़िता को न्याय मिल पाएगा या इस मामले में अभी और भी मोड़ आने वाले हैं या ये मामला और कहां तक खिंचता है, देखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी इसी मामले को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।